वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, यानी कि जब एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया जाता है तो उसका क्या फायदा होता है। देखिए, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो कि बेसिकली इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इन्हें जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये पोलराइज हो जाते हैं। दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, एक तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के निगेटिव चार्जेस का सेंटर पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर से कॉन्साइड नहीं करता है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं वो एक टिनी डायपोल की तरह वर्क करते हैं। और दूसरे वो कि जिनमें जिनके मॉलिक्यूल्स में निगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से कॉन्साइड कर जाता है, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स डाइपोल नहीं होते हैं। तो ये जो दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इनमें से कोई भी जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे यहां पर मैंने दो प्लेट्स ले ली, एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट है निगेटिवली चार्ज, यू में एज्यूम दैट दीज आर टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और इनके बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक रख लिया, मान लीजिए पेपर रख दिया, पेपर इज ए डाइइलेक्ट्रिक, तो उसको मैंने यहाँ रख दिया। जैसे ही हम इस पेपर को यहाँ पर रखते हैं तो पेपर के जो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो एज ए रिजल्ट जो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ कलेक्ट हो जाता है लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल का और ये पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा चार्ज है वो दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब देखिए, ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका पोलराइजेशन हो चुका है, सारे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव साइड में, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर की तरफ हो गए, नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल का और ये नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल का, ये दोनों बहुत पास पास आ गए, और जब पास पास आ गए तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि जो बीच वाले जितने भी चार्जेस हैं इनका इफेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसल्ड हो जाता है। अब डाइइलेक्ट्रिक की एक साइड निगेटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी साइड कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये साइड नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर डेवलप हुई है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाई पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, लेट इट बी ई पी। ये क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ई पी। और जो ये प्लस और ये माइनस की जो प्लेट्स रखी हुई थी, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, लेट इट बी ई नॉट। तो देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो किस साइड में है, इस साइड में। एज ए रिजल्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई डाइइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितनी हो जाती है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक रिड्यूस हो जाती है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी ई नॉट, डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, ई पी, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक वो कितनी हो जाती है, ई नॉट माइनस ई पी। अब हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये क्या होता है, E into D। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक यानी कि इसकी डिस्टेंस सॉरी इसकी थिकनेस जो है D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस क्या हो जाएगी, E into D। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता तो हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो E नॉट into D होता, लेकिन जब हमने डाइइलेक्ट्रिक रख दिया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E into D। E की वैल्यू E नॉट से कम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अब प्लेट्स के बीच में है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डाइइलेक्ट्रिक को रखने से पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस।